हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में देखिए, एक मतलब देखो, पहले तो मैं पेस्ट लेके रखी है। मैंने एक सादा पेस्ट ले लिए, ब्लैंक यानी सीन। इसमें पहले लाइट ड्रॉ, मतलब लाइट स्केच करेंगे। उसके बाद मैंने इसको पूरा डिटेल करके, ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद फिर मैं शेडिंग करेंगे। शेडिंग करके मतलब दिखाना है आपको कंप्लीट कैसे है, मतलब ये पोर्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, आप मैंने देखो डायरेक्ट, मतलब कोई मेमोरी पहले मतलब बता चुका हूँ मैंने आपको। जैसे क्या है, सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाने से पहले हमें क्या है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जब भी काम करो पोर्ट्रेट मतलब करने से पहले फॉर्मूला याद करना होगा आपको। फॉर्मूला आपको मेमोराइज में रखना पड़ेगा, तब जाके मैं पोर्ट्रेट आप क्लियर बना सकता हूँ। ठीक है, आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। मैं पहले आँख से स्टार्ट करेंगे, आँखों से स्टार्ट करना मुझे। और अलग अलग वेरायटी, मतलब कोई भी लिप्स से, कोई भी नाक से, कोई मतलब बालों से मतलब स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट बनाने से पहले, और लिप्स से भी स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करूँगा आँख से, आँखों से। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी आँखों से पोर्ट्रेट। ठीक है, ये स्टार्ट कर लिया मैंने पोर्ट्रेट। आप यहाँ से मैंने नोस, आप आईब्रो डालेंगे मैं इसमें। आप यहाँ से मैं आईब्रो, अब मैं बाल का ट्रिक्स ऐसे डालूंगा। लाइट ड्रॉ जब अभी मतलब ये कंप्लीट होने के बाद मैं फिर बिल्कुल इसको डिटेल मतलब बना के जाऊंगा, जैसे ये सेटिंग के साथ। ठीक है, आप पहले लाइट से किया मैंने। आप लिप भी बनाना है इसमें, देखो बिल्कुल लाइट मतलब पेंसिल चला रहा हूँ मैं, इसमें डार्कनेस नहीं है, इसमें कहीं से मतलब डार्क टोन नहीं है। आपने जाके फाइनल कर दिया स्केच, लाइन ड्राइंग मतलब अभी फाइनल हो गया। ठीक है, आप मैं इसको शेडिंग कर रहेंगे। पहले देखो आंखों से स्टार्ट किया था मैंने, आप कंप्लीट हो गया। आप फिर मैंने आंखों से मतलब शेडो भी डालना स्टार्ट करेंगे अभी। जैसे देखो आंख से स्टार्ट करना है मुझे शेडिंग भी। पहले मैंने आई बॉल में डालना है शेडिंग। देखो मैंने ये आंखों का मतलब शेडिंग कर दिया। आप इधर से भी मतलब करना है, ये भी दोनों आंख बराबर शेडिंग करना है मुझे, ये भी करना है दोनों साइड से। ये भी किया है सेटिंग। आप मैं इसमें भी सेटिंग डालना है, नोज में भी और यहाँ भी। आप आईब्रोज में आप दोनों साइड से आईब्रोज क्लियर करना है। आप देखो मैंने दोनों आँखों का मतलब कंप्लीट कर दिया सेटिंग। आप ऐसे कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे। आप देखो नोस में भी करना है मुझे अभी थोड़ा बहुत, नोस में आप सेटिंग करना है। फिर आप लिप्स में करना है मुझे। बिल्कुल डार्क टू लाइट कहीं भी मतलब डालना होता है यहाँ सेटिंग।
आप लीफ में करना है मुझे। आप देखो लीव में भी हो गया सेडिंग ऐसे, मतलब इसी तरह से मतलब सेडिंग करना है आपको ध्यान से। आप कहाँ कहाँ लाइट एंड शेडो में मतलब मेमोरी में किया ही है सेडिंग। आप फिर मैंने बालों में करके दिखाऊंगा सेडिंग, जैसे आप धीरे धीरे मतलब बाल में कान में पहले कान में कर रहा हूँ। देखो इधर इधर भी सेडिंग हो गया कानों की तरफ। अब फिर इस साइड मतलब बाल धीरे धीरे बाल हल्का मतलब यहाँ भी करना है मुझे। देखो ये शेडिंग मतलब बाल का भी हो गया फाइनल। अब मैं इस साइड भी कान में लेना है, कानों में। अब मैं गर्दन में भी शेडिंग डालना है, इसमें भी लाइट टू डार्क यहाँ भी लगना चाहिए, मतलब ये गर्दन है ये। देखो मैंने इसमें भी शेडो कर दिया, इसमें जैसे शर्ट बाई या स्पोर्टिंग पहने हुए इसमें भी हल्का हल्का शेडो डाल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे ये इस तरफ मतलब डार्क होना है, क्योंकि कलर की नीचे इसमें डार्क टोन आना चाहिए, तब जाके मतलब ऊपर रहेंगे वो। और यहाँ भी हल्का सा डार्क टोन डाल सकते हैं, यहाँ भी हल्का डार्क। और फिर इसमें जो गुस्सा टाइप लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिखा सकते हैं आप यू करके दोनों साइड से। आप लग रहे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, जैसे पहले लग रहा है गुस्सा टाइप का। आप देखो ये हो गया ना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ये यू करके। आप देखो यही है लाइफ पोर्ट्रेट करने का स्टाइल, जैसे सेटिंग भी कैसे हो गया कंप्लीट। ये सेटिंग कंप्लीट करके मैंने दिखा दिए, और हल्का हल्का ये डाल सकते हैं आप, जैसे ये देखो आप कंप्लीट हो गया ये सेटिंग के साथ पोर्ट्रेट।